नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। पूरी लंबाई इसकी हमने 7.5 इंच रखी है। अगर आप थोड़ी बड़ी रखना चाहते हैं तो 8 या 8.5 इंच ले सकते हैं। इस पर फ्रिल भी रहेगा तो इसकी लंबाई अभी और थोड़ी बढ़ेगी। 1 इंच की हम फ्रिल रखेंगे। 3 इंच पर इस तरह से हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। उसके बाद सिंपल इसे कट किया। आप देखिए, यहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच नीचे की तरफ छोड़ देंगे। इसका जो स्लीव का जो बॉर्डर आएगा ब्लाउज का वो लगेगा। अगर आपकी ब्लाउज स्लीव में बॉर्डर नहीं है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा ही छोड़े, 1/2 इंच पतला बॉर्डर है 1 इंच का, तो 1.5 इंच हमने छोड़ दिया है। अब इसे कपड़े पर रख के कट करेंगे। और ये जो कट बनाया है 1 इंच से कम ही इसकी चौड़ाई है। 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा लिया था तो 1 इंच से इसे इसकी चौड़ाई कम ही रखना है पूरा। उसके बाद इस पर जहाँ से ये निशान है वहीं से सिलाई हमने डाल दिया है। अब इसे इस तरह से कट करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे 2 कट। उसके बाद अंदर की तरफ अस्तर वाले कपड़े को पलटना है और ऊपर से 1 सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने कपड़ा लिया। इससे हमें 1 इंच चौड़ी पट्टी तैयार करनी है। इसको सिलाई लगाकर पलटकर सीधा कर लिया है। अब कट करेंगे यहाँ पर हम 1.5 इंच की, और इसमें हमें मोतियाँ डाल लेनी हैं। तो इस तरह से डिजाइनों में सभी पर मोती डाल लेनी है। उसके बाद देखिए, इस तरह इसको लगाएंगे बिल्कुल बराबर से रखते हुए, इस तरह से लगाना है। दूसरी तरफ भी बराबर से मिलाते हुए, बिल्कुल बराबर से ही इसे मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। ये वाली डिजाइन हमारी तैयार हुई। अब हमें लेना है यहाँ पर 2.5 इंच का एक चौकोर कपड़ा लिया है और एक लिया है 2 इंच का, और दोनों को इस तरह फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। अब देखिए, जो छोटे 2.5 इंच पर जो ली है उसे ऊपर रखेंगे, और जो बड़ी वाली कपड़ा जो कट किया था, जो बड़ी वाली डिजाइन है, उसे नीचे करते हुए इस तरह से डबल करके लगा लिया है। अब इस यहाँ पर इस तरह ये लगेगी, दोनों तरफ से लगेगी बराबर से रखते हुए। इस तरह से लगाना है, जितनी डिजाइन उस साइड लगी हैं उतनी ही इस साइड लगेगी बिल्कुल ठीक सामने। तो दोनों तरफ से हमने देखिए डिजाइनों को लगा दिया है। उसके बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे कट कर दिया है। अब यहाँ पर ली है और एक पट्टी बना कर ली है। इस तरह से दोनों तरफ पट्टी हमने लगा दी है। अब हम लेंगे ब्लाउज का बॉर्डर, तो ये इसका बॉर्डर है और इसको यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए, नीचे वाली साइड से अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। अब इस तरह से हम बॉर्डर को लगा देंगे। तो देखिए, ये बॉर्डर हमने लगा दिया है। अब इसके नीचे हम रखेंगे फ्रिल। तो अगर आपको फ्रिल नहीं रखना है तो ये वाली डिजाइन जो हमने साइड में लगाई है, बीच वाली डिजाइन की, ये डिजाइन भी लगा सकते हैं या तो सिंपल भी रख सकते हैं। तो इस पर हम छोटी छोटी सी इस तरह से ये वाली फ्रिल बनाएंगे, जिसकी दोनों चुन्नटें एक ही तरफ फोल्ड करना है। अब देखिए, यहाँ पर इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए इसे इस तरह से लगा देंगे। तो 1 इंच की हमने फ्रिल रखी है। तो इस तरह हमारा ये डिजाइन बनके तैयार हुआ। इन डिजाइनों पर अब हमें मोतियाँ लगानी हैं। तो डिजाइन मोती लगाने के बाद पूरा तैयार हो गया है। बस इस पर मोती लगा देंगे इन डिजाइनों पर एक एक। तो ये स्लीव हमने ब्लाउज के लिए तैयार की है, और ब्लाउज का डिजाइन भी शेयर किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर डिज़ाइन हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।